कांग्रेस पार्टी में छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की। यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहते हुए आज महिला कांग्रेस की नेशनल कन्वीनर हूँ। पापा MPSRTC डिपार्टमेंट में थे, BJP की सरकार अचानक ये डिसीजन लिया कि हम मध्य प्रदेश रोड कॉरपोरेशन को बंद करें, तो एक सदमा सा था बिकॉज मेरे छोटे भाई बहन सब लोग पढ़ रहे थे। लेकिन उसी समय एक डिसीजन हुआ कि प्रतिभा नेशनल लेवल पर काम करना है NSUI में, तो बोले आपको दिल्ली में आकर मिलना पड़ेगा। और उसी समय जो मेरा छोटा भाई है उसकी इंजीनियरिंग की एग्जाम थी, तो घर में ये फैसला लेना था कि इसको राजनीति करानी है या गोल्डी को इंजीनियरिंग करानी है। उस टाइम डैड ने मेरे डिसीजन लिया कि नहीं, गोल्डी को इंजीनियरिंग हम नहीं कराते हैं, हम इसके सपनों को पहले पूरा करेंगे। तो उस दिन से फिर कमर कस ली कि नहीं, अब पीछे नहीं हटना है। तो ऐसे राजनीतिक सफर चलता रहा। यूथ कांग्रेस में भी जब आई तो महासचिव होने के नाते कई जिलों की प्रभारी रही, राष्ट्रीय महासचिव बनी, विधानसभा लोकसभा चुनावों में एज अ प्रभारी काम किया। तो एक बड़ा एक्सपोजर दिया मेरी पार्टी ने। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो न केवल महिलाओं के सपनों को पूरा करने का अधिकार देती है बल्कि उनको करके भी दिखाती है। RSS या BJP के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो देश को पीछे धकेलते हैं। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप किस धर्म के हो, आप कैसे पूजा अर्चना करते हो, ये हमारे देश की राजनीति के प्रश्न नहीं है। हमारे देश की राजनीति के प्रश्न है महंगाई है, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा कैसे हो, कैसे कानून को अमली जामा पहनाया जाए, कैसे किसानों को अच्छी पैदावार के लिए हम साधन मुहैया कराएं, कैसे व्यापारी वर्ग लघु उद्योगों को बढ़ावा दें, इस पर चर्चा ही नहीं है। लोग अपने से जुड़ी हुई समस्या को कहने से डरते थे, लेकिन राहुल गांधी जी की इस यात्रा ने एक आत्मविश्वास लोगों में दिया। आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए, आपकी इस आवाज को कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज समाज से लड़ाई लड़ेगी।